हेलो, अंधा हो गया क्या? रोड तेरे बाप की है? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? एक तो गलती आपने की है, ऊपर से बदतमीजी भी आप की जा रहे हैं। मैं तो ये बताऊं गलती किसकी है? दो टके का गरीब इंसान भाई, इतना तकब्बुर करना अच्छी बात नहीं है। अब तू हमें लेक्चर देगा? छोड़ यार, पहले लेट हो गए काफी, इसे बाद में देख लेंगे। चल यार, भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करते हैं। ठीक है, बुलाओ यार वेटर को। कुछ वेटर, जी सर, क्या ऑर्डर चाहिए आपको? ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? एक तो गलती आपने की है, ऊपर से बदतमीजी भी आप की जा रहे हैं। ठीक है, आपको बताते हैं, 5 मिनट तक आप जाएं। ओके सर। यार ये तो वही साइकिल वाला आदमी नहीं है जो उस दिन बड़ी बहस कर रहा था हमारे साथ? हाँ, लग तो वही रहा है। चलो इसको सबक सिखाते हैं, तुम देखते जाओ मैं इसके साथ करता क्या हूँ। हाँ, इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा 2 टके के वेटर को। बुलाओ ज़रा वेटर। जी सर, क्या ऑर्डर चाहिए आपको? आप ऐसे करें, ठंडा पानी ले आएं पहले, फिर ऑर्डर करते हैं आपको। ओके सर, मैं अभी लाया। भाई 2 टके के वेटर, तुमने हमारे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। अब यहाँ खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जा, अपने मालिक को भेज। सॉरी सर, मैं साफ कर देता हूँ ना। दफा हो जा, मालिक को भेज अपने। चल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सारा मूड खराब कर दिया है। जी सर, क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये आप हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है? ये बात आप अपने उस वेटर से पूछें। पता नहीं किस तरह के नौकर रखे हुए हैं आपने। अगर इस तरह के आपने मजीद और नौकर रखे ना, कोई भी कस्टमर आपके होटल पे नहीं आएगा। कोई बात नहीं सर, गलती हो जाती है, इंसान है, माफ कर दें। कोई माफी नहीं है। एक तो उसने जानबूझकर हमारे ऊपर पानी गिराया है, और फिर बदतमीजी भी की है। उसे आप अभी नौकरी से निकालें। बिल्कुल, आप अभी और इसी वक्त उसे यहाँ से निकालें, वरना हम आपके होटल पे कभी नहीं आएंगे। ओके सर, मैं अभी निकालता हूँ इसे। अच्छा, इधर आओ। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त निकालता हूँ। जिस बंदे से मेरे कस्टमर खुश नहीं है, मैं उसे यहाँ पे नहीं रख सकता। मालिक, ये लोग झूठ बोलते हैं, आप इनकी बात मान के मुझे काम से कैसे निकाल सकते हैं? मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, दफा हो जाओ यहाँ से। अब तो आप खुश हैं ना, मैं और बंदा भेजता हूँ, आप बैठ जाएं, तसल्ली से बैठ जाएं। परेशान हूँ, पहले तो कारोबार अच्छा जा रहा था, पता नहीं अचानक कारोबार को क्या हो गया है। अकबर साहब, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नदीम साहब, अचानक 10-15 दिन से कारोबार ठप हो गया है, और नुकसान पे नुकसान हो रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। अकबर साहब, बाज़ औक़ात इंसान से ऐसी गलती हो जाती है जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं, कहीं आपसे भी ऐसी कोई गलती तो नहीं होगी? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और याद करने की कोशिश करें, कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया।
चले अकबर साहब, मैं फिर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है जी। मालिक, ये लोग झूठ बोलते हैं, आप इनकी बात मान के मुझे काम से कैसे निकाल सकते हैं? मैं कहाँ जाऊंगा? बस मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, दफा हो जाओ यहाँ से। मालिक, आप यहाँ इस वक्त? खैर से आना हुआ? जी जी, मैं तुझे लेने आया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। मालिक, क्या आप वाकई मुझे यहाँ से लेने आए हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, जल्दी करो, देर हो रही है। कभी कभी आपके मुलाजिम अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए रहमत होते हैं, इसलिए उनके साथ हुस्न सलूक आप पर फ़र्ज़ है। अपने मुलाजमीन को घर के फ़र्द की तरह समझें, इसमें आपकी भलाई है और अल्लाह ताला की खुशनुदी है।